वर्तमान में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है तो भी अपना टारगेट पुनः चेंज कर दे, लक्ष्य तो वही रहेगा ना, भले ही काल में संभव ना हो तो भी लक्ष्य चेंज हो जाए ये सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं, लक्ष्य तो वही रहेगा, टारगेट तो वही है। इस गुण में से में अनंतमति की कथा प्रसिद्ध है, दूसरी सीता महादेवी की कथा है, यानी यहाँ पे मां अनंतमति की कथा का उल्लेख किया और सीता महादेवी का कथा है उसे कहते हैं। जब सीता लोगों की निंदा दूर करने के लिए अग्नि कुंड में प्रवेश कर शुद्ध निर्दोष हुई, शुद्ध हुई माने शुद्ध तो थी, शुद्ध साबित हुई, शुद्ध हुई माने शुद्ध साबित हुई, निर्दोष साबित हुई, तो शुद्ध हुई, तब रामचंद्र द्वारा दिए गए पट महारानी भूति पद छोड़कर सकल भूषण नामक केवल ज्ञानी के पाद मूल में कृतांत वक्र आदि राजाओं और बहुत सी रानियों के साथ जिन दीक्षा लेकर शशि प्रभा आदि आरिकाओं के समूह के साथ में ग्रामपुर खेटक आदि में विहार करती हूँ, भेदाभेद रत्नात्रय भावना से 62 वर्ष तक जैन मत की भावना करके अंत समय में 33 दिन तक निर्विकार परमात्मा की भावना सहित संन्यास करके अर्थात समाधि मरण करके अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में प्रतिष्ठित जी, सीता जी की पूरी कथा का वर्णन। इसमें निकांशी का पता क्या हुआ, निकांशित माने कि आप यदि सीता जी का पूरा जीवन उठा करके देखेंगे तो वनवास हो गया, फिर अपहरण हो गया, माने जो राज वैभव के सुख थे वो तो वो भोग ही नहीं पाए, परिस्थिति को जो है हाँ, पहले वनवास में समय चला गया, अपहरण हुआ उसमें सब समय चला गया, माने पूरा जो जीवन होता है देखा जाए तो कठिनाइयों में निकल गया, माने रामचंद्र जी के साथ जो विवाह हुआ, विवाह होती फिर ये सारी घटनाएं हो गई, तो जो राज वैभव का सुख था वो उनको प्राप्ति ही नहीं हुआ, और जब अग्नि कुंड में प्रवेश करके अग्नि परीक्षा के बाद सब कुछ साबित हो गया और सारी समस्याएं समाप्त हो गई और जब राज वैभव को भोगा जा सकता था उस समय उन्होंने उस सारे राज वैभव को छोड़कर जिन दीक्षा धारण करना स्वीकार, माने जहाँ सारा वैभव उनके सामने प्रस्तुत था भोगने के लिए, तब उन्होंने उन सारे वैभव को छोड़ करके जिन दीक्षा धारण की थी उनके निकांचित अंग को प्रदर्शित करता है, माने सीता जी का निकांचित पद कि माने किसी प्रकार के भोग वैभव की अब उनको इच्छा आकांक्षा विशेष नहीं है। तत्पश्चात निर्मल समेत का फल देकर धर्मानुराग से नरक में रावण और लक्ष्मण को संबोधन कर अब स्वर्ग में है। अब देख माने स्वयं के लिए तो किसी भी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रही और अपने साधर्मियों के प्रति, और साधर्मी भी कौन, रावण को माने संबोधन दे रहे नरक में जा रहे हैं, यहाँ तक वर्णन मिलता है कि उनको निकालने की भी कोशिश की कि नरक में से निकाल कर ले चले, लेकिन व्यवस्था है ही नहीं नरकों में से निकाल करके ले जाए, माने एक तरफ तो इतना राग माने अपने साधर्मियों के प्रति और दूसरी तरफ संसार के प्रति रंच मात्र भी राग नहीं, माने भोग विलास की रंच मात्र भी इच्छा नहीं, ये उनका निकांचित बना। तो तत्पश्चात नेमत समय का फल देकर धर्मानुराग से नरक में रावण और लक्ष्मण को संबोधन कर अब स्वर्ग में है, भविष्य में स्वर्ग से आकर सीता का जीव सकल चक्रवर्ती होगा, रावण और लक्ष्मण के जीव उसके अर्थात सीता के जीव के पुत्र होंगे। मतलब कैसी कैसी विचित्र घटना है, और आज प्रथमानियों को पढ़कर के भी यदि हम द्वेष को धारण करें, माने रावण का पात्र पढ़कर के भी मन में सबसे पहले क्या आ जाता है, द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है, प्रथमानियों का फल द्वेष करना नहीं, का फल राग करना भी नहीं है, कि जो महापुरुष बताए गए हैं उनके जीवन को पढ़कर के उनकी शिक्षाओं को धारण करके हम अपने जीवन में भी उनको अपना है। और जो खलनायकों का वर्णन किया गया है कि उनके पात्रों को समझ करके अपने जीवन में ऐसे दोष उत्पन्न ना, लेकिन राग द्वेष की प्रेरणा प्रथमानियों में भी नहीं दी गई। अब यहाँ तो आप यदि उठा करके देखें
हम आज भी रावण की पुतले जला रहे हैं और वही सीता का जीव तूने संबोधन देने जा रहा है, संबोधन ही नरक में से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलता कि वो पुत्र बनी, माने प्रथमानी पढ़ते एक प्रकार की वो समता धारण होती, वास्तव में द्वेष करना योग्य नहीं है। तत्पश्चात तीर्थंकर देव के पादमूल में अपना पूर्व भाव देखकर परिवार से दोनों पुत्र तथा सीता का जीव जिन दीक्षा लेकर भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से पंच अनुत्तर विमान में तीनों अहमेंद्र होंगे, अरे अभी तो नरक से निकल करके और सीता का जीव स्वर्ग में से निकल करके चक्रवर्ती होगा और लक्ष्मण और रावण पुत्र होंगे, फिर उस भव में सब जीव दीक्षा धारण करके फिर अनुत्तर विमान में उनका अहमेंद्र होंगे, फिर वहां से आकर रावण तीर्थंकर होगा और सीता उसका गर्दर होगा, गर्दर होगा लक्ष्मण भारती खंड द्वीप में तीर्थंकर। इस प्रकार व्यवहार निकांचित गुण जानना, निश्चय से तो उसी व्यवहार निकांचित गुण के सहकारी बने से दृष्ट श्रुत और अनुभूत पंचेन्द्रीय भोगों का त्याग कर निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निजात्म जनित सुखामृत के रस में चित्त का संतोष वही निकांचित गुण। क्या निकांचित माने इच्छा नहीं है, तो इच्छा कब नहीं होगी? जैसे कोई व्यक्ति उसको बहुत अभी इच्छा होती थी और उसको चिंता मणि रत्न मिल गया और उसको जगत की और कोई इच्छा शेष रहेगी? क्यों? क्योंकि जिससे मुझे सारी इच्छाएं प्राप्त हो सकती है वो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, उसमें संतुष्ट हो गया है। ऐसे ही जिसे आत्मस्वरूप की दृष्टि हो गई है अब उसको जगत की और कोई इच्छाएं शेष नहीं रही, जो अनंत सुख का खजाना मिल गया है, तो जो लौकिक सुख है, इंद्रिय सुख है, जो वास्तव में सुख है ही नहीं, तो उनकी इच्छा रहे कैसे? तो अपने चित्त में ही संतुष्ट होना ये वास्तव में निकांचित है, और जो वास्तव में अपने स्वरूप में संतुष्ट होते हैं उन्हीं को परद्रव्य में भी उनकी भोग आकांक्षा नहीं होती। तो व्यवहार निकांचित गुण जानना, निश्चय से तो उसी व्यवहार निकांचित गुण के सहकारी फल से दृष्ट श्रुत और अनुभूत पंचेन्द्रीय भोगों का त्याग कर निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निजात्म जनित सुखामृत के रस में चित्त का संतोष वही निकांचित गुण है। अपने में संतुष्ट होना, जहाँ अपने में संतुष्ट हुए वहां पर द्रव्य में असंतुष्ट पना रहेगा। यदि असंतुष्ट पना है, यानी लक्षण, यदि असंतुष्ट पना है तो इसका मतलब भी चित्त में संतुष्ट पना नहीं। इच्छाएं हमें खड़ी होनी है पर द्रव्य को भोगने की इच्छा है, इसका मतलब भी स्वरूप में संतुष्टि नहीं हुई। फुट नोट में थोड़ी सी चर्चा की गई सहकारी पने के संबंध में। सहकारी पना माने निमित्त पन, निमित्त उपादान में कोई विशिष्टता उत्पन्न नहीं करता परंतु उसी प्रकार के उचित निमित्त की सन्निधि होती है। देखो सी प्रवचन सर गाथा 95 गीता प्रश्न क्रमांक 189 आवृत्ति। निमित्त के संबंध में, सहकारी पने के संबंध में माने बाहर में जो भोग का आच्छा नहीं है वो मात्र निश्चय जो निकांचित अंग है उसमें सहकारी निमित्त मात्र है। माने पर बाहर में व्यवहार में परद्रव्यों की इच्छा ना भी दिखे तो ये जरूरी नहीं कि निकांचित अंग हो ही। क्यों? दस लक्षण पर के संबंध में चर्चा की कारण है, जैसे कोई नाम का लोभी हो तो रुपयों का लोभ छोड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। नाम का लोभी व्यक्ति हो तो दान में कितने ही रुपए दे सकता है, क्यों? तो मेरा नाम अमर रहेगा। अरे नाम की अमरता के लिए रुपयों का लोभ भी त्याग कर देता है, तो ऐसा लोभ छोड़ता हुआ तो दिखाई दे सकता है बाहर में, लेकिन इसका मतलब वो वास्तव में निकांचित अंग का धारी हो गया हो ऐसा नहीं। इच्छा तो कर ही रहा ना नाम की। तो पॉइंट समझ कि बाहर में यदि लोग छूट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि निकांचित अंग हुई। हाँ, लेकिन यदि अंतरंग में स्वरूप में संतुष्टि है तो बाहर में निकांचित अंग होगा ही। तो इस प्रकार ये दो अंगों की चर्चा निशंकित अंग और निकांचित अंग की चर्चा अपन ने देखी है।
यदि जो प्रथमानियों के प्रकरण अपने पढ़े हैं उसमें और भी विचार करना चाहे तो बहुत तरह से इसका विचार किया जा सकता है। मानी एक तो जो सीता जी का जीव था, एक तरफ तो पूरा राज वैभव उनको प्राप्त था, लेकिन उसको भी छोड़ करके वे चले गए। तो एक तो उनका जो निकांचित पना था, माने संसार के प्रति जो उदासीन वृत्ति थी, वो इसमें प्रदर्शित होती है। ये सब कुछ हाथों पे प्राप्त होने पर भी उस भोगाकांक्षा नहीं होना। और दूसरी तरफ हम जो जगत में प्राप्त कुछ भी नहीं है, लेकिन इच्छाएं कितनी है, सब कुछ प्राप्त हो जाए, इच्छाएं इतनी है। तो ये वास्तव में अपनी यदि तुलना करनी भी है तो महापुरुषों के जीवन से अपना विचार करना कि जिनको सब कुछ प्राप्त था वो सारी चीजें छोड़ करके चले गए, और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है तो भी प्राप्त करने की इच्छा कितनी है कि सब कुछ प्राप्त हो जाए, कितनी इच्छा शेष है। दूसरा जब अपन विचार करते हैं कि आगे के भवों का भी अपन विचार करेंगे, जैसे आगे चलकर के चक्रवर्ती होंगे, जिन दीक्षा धारण करेंगे, तो मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि वही मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं कर दिया। भाई जिन दीक्षा धारण की आगे चलकर के चक्रवर्ती होंगे और रावण लक्ष्मण पुत्र होंगे और तीनों जिन दीक्षा धारण करने वाले, तो मन में प्रश्न खड़ा होता है कि फिर वहीं पे जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं करेंगे, आगे चलकर एक और बहुत धारण करने की क्या आवश्यकता है। वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए वो एक समय की पर्याय भी अपने अधीन नहीं है ना, जिस समय मोक्ष होना है तो पुरुषार्थ उस समय ही कार्य होता है, जिस समय केवल माने उसके पहले भी नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी करना संभव नहीं है। जिस समय जो होना है वो उस समय ही होता है, ये हमें वस्तु स्वरूप पढ़ करके ख्याल में आता है। तो इससे भी हमें ख्याल में आता है कि किसी भी प्रकार की इच्छा करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जब चक्रवर्ती जैसे जीव की, सीता जैसे जीव की उस भव में जिन दीक्षा धारण करके उसी भव से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमारी इच्छा करना कहाँ तक सार्थक, माने इच्छाओं से पदार्थों की प्राप्ति होना ये संभव नहीं है। इच्छा से पदार्थों की प्राप्ति भी नहीं होगी और इच्छा से मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी, इसलिए इच्छा रूपी जो राग है वो तो सर्वथा छोड़ने योग्य ही है। अब ये अलग बात है कि ज्ञानियों के जीवन में मोक्ष के प्रति राग हो गई, सात तत्वों के प्रति वो जो राग यदि अपन कहें उनको, तो वो राग तो हो गई, साधारणों के प्रति तो राग होगा ही, लेकिन अंतर क्या है कि वो राग उपाधि है ये बुद्धि उनकी छूट रही है, राग करने योग्य है ये छूट गया है। अरे दो चीजें हैं, एक तो क्या है और क्या होना चाहिए। भाई राग नहीं होना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन क्या होता है, राग तो होता है ना ज्ञानियों के जीवन में, नहीं होना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन होता है ये भी तो सत्य हो गई, माने दसवें गुण स्थान तक भी वो राग तो शेष रहने ही वाला है ना। तो फिर वो ज्ञानी क्यों है, ज्ञानी इसलिए है क्योंकि उसमें उपाधि बुद्धि उनकी छूट गई है, भले ही राग है लेकिन राग के प्रति जो उपाधि बना है वो छूट गया है। ये राग आग दहे सदा साथे समामरस, मन इस बात का उनको निशंकित पना है कि भाई ये राग तो किसी भी प्रकार का हो वह संसार को ही बढ़ाने वाला है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से उपाधि नहीं है, इसलिए उनके राग को भी प्रशस्त राग का, शुभ राग का, मन शुभ राग भी किसका कहा, ज्ञानियों के राग को शुभ राग कहा, उसमें एक भेद डाले कि एक शुभ है और एक अशुभ राग है, पर जिसको वास्तव में स्वरूप की ही खबर नहीं हो तो उसका राग भी क्या भेद करे शुभ और अशुभ, वो तो संसार को ही बढ़ाने वाला है। ज्ञानियों का राग ऐसा है जो संसार को काटने वाला है, माने क्या ये उच्चाटा का तक की परंपरा से तो उन्हें मोक्ष की ही प्राप्ति होने वाली, तो इसलिए कहा कि ज्ञानियों का जो राग है वह प्रशस्त राग और अज्ञानियों का जो कुछ भी राग है वो सब अप्रशस्त ही है, क्योंकि वह संसार को ही बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से प्रथमानुग के संबंध में भी अपन विचार करें तो ये निकांचित अंग बहुत अच्छे से हमारे ख्याल में आता है। तो इस प्रकार अभी दो अंगों की चर्चा अपनी हुई, कल नेवी की चर्चा अपन देखें।
सो कहा लो कहानी हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी तुषारोग की औषधि तू महानी हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी तुम्ही सप्त धा दशांगी बखानी हमें ज्ञान केवल तुझे नवाणी तासु को मोक्ष की राजधानी हमें ज्ञान केवल दो जैन वाणी यूरोप में एक नौका मिली है बली भांति भगवती कारण तुई है सुधा धर्म धारा पिलाती है वाणी